इसराइल और ईरान के बीच इन दिनों तनाव जैसे हालात हैं। एक हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल से बदला लेने की धमकी दी है। इस वजह से इसराइल और ईरान के बीच जंग के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान इसराइल से बदले की आग में जल रहा है और वो इसराइल को चेतावनी भी दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईद के बाद अब कभी भी ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले की संभावना के बीच अब इसराइल ने ईरान को करारा जवाब दिया है। ईरान की ओर से किसी भी हमले की संभावना पर इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि ईरान के किसी भी हमले का इसराइल माकूल जवाब देगा। रक्षा मंत्री के कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से कहा कि सीधे हमले के लिए ईरान के खिलाफ उचित इसराइली प्रतिक्रिया जरूरी होगी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बातचीत की है। फोन पर बातचीत के दौरान गैलेंट ने ऑस्टिन को इजरायली तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया है और इस बात पर जोर दिया कि इजरायल अपने क्षेत्र पर किसी भी तरह के ईरानी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल और ईरान के बीच इस जंग के हालात पर पूरी दुनिया की नज़र है। इस जंग के बढ़ते खतरे पर रूस और जर्मनी ने मिडिल ईस्ट के देशों से संयम बरतने को कहा है। जर्मनी की एक निजी एयरलाइंस ने युद्ध के खतरे को देखते हुए तेहरान के लिए अपनी उड़ानों का बैन बढ़ा दिया है, तो रूस ने भी मध्य पूर्व की यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की है। बता दें कि ईरान और इसराइल के बीच ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ। इस हमले में एक शीर्ष ईरानी जनरल और 6 अन्य ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने अपने दूतावास पर हुए हवाई हमले का बदला लेने की कसम खाई। हालांकि इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इसराइल को दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि ये ईरानी धरती पर हमले के बराबर था। इसके बाद से ही ईरान और इसराइल के बीच तनाव है। ईरान ने इसराइल से बदला लेने की तैयारी कर ली है, जबकि इसराइल उसे मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। ऐसे में इस पूरे विवाद से ईरान इसराइल युद्ध भड़कने की स्थिति पैदा हो गई है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।